आज तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पर कभी किसी ने बताने और दिखाने की ये जहमत ही नहीं उठाई कि आप क्या खा रहे हो। बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ MRP लगी होती है, अरे इतने का है हम ले लेते हैं, हम सोयाबीन तेल खा लेते हैं, पर कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि सही में सोयाबीन में तेल होता है और आपके आंखों के सामने किस तरीके से मूंगफली का कह लीजिए, शेंगदाने का, फली का तेल आपके सामने निकलेगा जो कि आपके सेहत के लिए सबसे लाभदायक है। अब धीरे धीरे ये मैंने 17 किलो लिया है। हम रॉ मटेरियल का भी बहुत खास ध्यान रखते हैं कि जो हम मटेरियल भी यूज़ करते हैं वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये जो मशीन है ये मैं आपको बताना चाहूँगी है वुडन प्रेस, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कोल्ड प्रेस कह लीजिए, वुडन प्रेस कह लीजिए, तो ये लकड़ी घानी हिंदी में कहते हैं और ये पूरा लकड़ी का है। अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा जिसमें तेल बनता है वो पूरा लकड़ी का होता है और वो भी बबूल की लकड़ी का होता है और बबूल की लकड़ी का अपना ऑलरेडी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई केमिकल एड ऑन नहीं है, सिर्फ हम इसमें वाटर ऐड करते हैं वो भी मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए। अदर देन दैट किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव या कोई भी एडिशनल इसेंस या कोई भी प्रकार का सिंथेटिक इसमें यूज़ नहीं होता। जो मार्केट में होता है सबसे पहले उसमें पाम तेल होता है, पाम तेल और इसेंस, उसमें ये शेंगदाना या मूंगफली नहीं डाला जाता, इसका इसेंस डाला जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे खुशबूदार लगेगा, लेकिन वो होता पाम तेल है। अगर वो केमिकल हम खाते हैं तो हम जाके डॉक्टर को पैसे देते हैं, और अच्छा चीज़ खाएंगे तो वो जो हमारी हार्ड मनी है वो हमारी फैमिली और हमारी हैप्पीनेस पे हम खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध और अच्छा खाने की ज़रूरत है और ये कोई नई या कोई नया इन्वेंशन नहीं है, इट्स ऑल्ड ओल्ड। ऑयल तैयार होगा 15-20 मिनटों में आपका ऑयल रेडी हो जाता है, लेकिन उसे निकालने के लिए हम और 20 मिनट लेते हैं क्योंकि हम इसे इसी बर्तन में रखते हैं, लकड़ी के बर्तन में, धीरे 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 वो थोड़ा सा फिल्टर्ड हो जाता है। जैसे मैंने बताया कोई प्रोसेस नहीं करते, कोई केमिकल एड ऑन नहीं करते, तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, वो भी गर्म इतना 40-45 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होता तेल, जिससे उसके पोषक तत्व तेल में बने रहते हैं। शेंगदाने का जो तेल है वो 1 लीटर 300 रुपए का है, हाँ, और मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी हम 200 ml की हमने की है कि फर्स्ट टाइम कोई मंगा रहा है तो प्रोसेस देखकर या किसी भी हमारी बातों से क्यों मुझ पर विश्वास करेगा। इसीलिए सभी के लिए ये है कि पहले वो 200 ml मंगा ले, एक बार क्वालिटी देख ले, अगर उनको लगता है कि सही में सिर्फ बातों तक नहीं प्रोडक्ट में भी कोई बात है तो फिर वो हमें आगे ऑर्डर दे सकते हैं। तो अब इसे पानी ऐड करेंगे जैसे मैंने बताया था। अब ये पानी ऐड कर रही हूँ तो लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं, भाई तेल में पानी क्यों? तो ये सिर्फ मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए है। जब तेल बनेगा तो तेल में बिल्कुल पानी नहीं होगा, और अगर तेल और पानी एक साथ मिक्स भी नहीं होते। 10 किलो सींग में से कितना तेल निकल रहा है? ये 17 किलो पिनेट हमने एक टाइम में डाला है और इसमें से कम 5.5 से 6, 6.25 लीटर तेल मिलता है। ये जो ऑयल है इसकी लाइफ है 4 महीने होती है, बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल के हैं तो 4 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। कई बार मैं बताना चाहूँगी इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑल्सो। जब बारिश होती है तो ऑलरेडी आपका जो वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, उसमें ऑलरेडी आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होता है, सो तब इसकी लाइफ कम होती है, और ठंडी और विंटर में इसकी लाइफ 4 महीने तक होती है। अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें ऑयल रेडी हो रहा है, पर ऑयल का जो कलर है आप देखेंगे थोड़ा ऐसे ब्राउनिश है और धुंधला सा है, क्लियर नहीं है। सो ये धीरे धीरे जब प्रोसेस होते जाएगा तो आपको ऑयल का भी कलर साफ दिखने लगेगा, लाइक येलो कलर आपको दिखने लगा जो आम तौर पे तेल के कलर होते हैं। तेल ऐसी चीज़ है कि हम हमारे कुकिंग पे अगर हम मैं बात करूँ तो हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, फिर वो आपका दाल हो, राइस हो, आपकी रोटियां हो, सब्जी हो, बिना किचन में और इंडियन फूड्स में तेल बिना कुछ हो ही नहीं सकता। फेस्टिवल है तब तेल है, मतलब हर चीज़ तेल से शुरुआत होती है अगर खाने की मैं बात करूँ तो। तो अगर हम इतना सारा उसे क्वांटिटी में हम उसे खाते हैं तो वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आज तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पर कभी किसी ने बताने और दिखाने की ये जहमत ही नहीं उठाई कि आप क्या खा रहे हो। बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ MRP लगी होती है, अरे इतने का है हम ले लेते हैं, हम सोयाबीन तेल खा लेते हैं, पर कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि सही में सोयाबीन में तेल होता है। राइस ब्रांड, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं, शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगा, ये बहुत
डेप्थ वाली, बहुत सोचने वाली, गंभीरता का विषय है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। इस पे ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। इतने बड़े बड़े तेल इतने सस्ते कैसे आते हैं? अगर मैं कह रही हूँ 300 रुपये लीटर है, तो वहाँ पे भी सवाल है कि भैया 300 रुपये लीटर कैसे है, मार्केट में तो सस्ता आता है। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ 2.5 से 3.25 किलो शेंगदाने में 1 लीटर आपका तेल बनता है, और वो बहुत बेसिक है। आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं लाइव मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मेकिंग हो रही है, आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये तेल महंगा है। तो जो बाहर आप खाते हैं वो आप तेल नहीं खाते, आप बीमारियों को आवाहन दे रहे हैं और डॉक्टर के जेब भर रहे हैं। आप देखेंगे तो कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश जो था हल्का हल्का पीले रंग पे आ गया है। अब थोड़े और 5-10 मिनट बाद और क्लियर हो जाएगा ये, और जब ओवर द नाइट हम इसको रख दें तो ये और भी ज़्यादा एकदम नेचुरली पूरी तरीके से फाइबर नीचे बैठ जाएगा और अच्छा वाला तेल रेडी हो जाता है। एंड दूसरी बात ये कि घानी का तेल, रिफाइंड ऑयल जो हम आमतौर पे गृहिणी जब कोई चीज़ फ्राई करती है, तो कई घरों में ऐसा होता है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग, खाते तो रिफाइंड है लेकिन एक बार फ्राई करने के बाद उसे कहते नहीं अब दोबारा यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और घानी के तेल को एक बार अगर आप फ्राई करके चाहें तो दूसरी बार भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपके हेल्थ को कोई हार्म नहीं करेगा। देखिए, अब प्रॉपर ऑयल रेडी हो गया है, काफ़ी गर्म भी है, मतलब जितना पीने का पानी गर्म होता है, जब हैंडवर्क है तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी उसी तरीके से मेंटेन रहती है। तो चलिए करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑयल निकल रहा है, इसका एक एरोमा भी है, अगर आप वीडियो में तो फील नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे तो इसमें, इस बर्तन में कोई तेल बचा नहीं है, लॉक खोलने के बाद सारा का सारा तेल बाहर निकल गया। तो चलिए अब आपको हम इसे पैक करके दिखाएंगे कि कैसे पैक होता है। तो आपने सिंगदाना के तेल बाकी बॉटल्स में भी देखा होगा, और इसमें आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंस है, कितना गाढ़ा है ये। इस तरीके से कैप लगा दिया। इको श्योर द्वारा बनाया गया शेंगदाने का तेल प्रति लीटर 300 रुपये है, और हम पूरी तरह से रेडी हैं भारत में कहीं भी कुरियर द्वारा सर्विस देने के लिए। सो आप हमें मौका दीजिए, और हमारे साथ, हमारे जैसे कई लोग जो काम करते होंगे इस अच्छे, मैं कहूँगी इस अच्छे मुहिम में, तो उन्हें भी ये मौका दें अपने आप को साबित करने का। और नीचे दिए गए नंबर पर, और हमारी वेबसाइट है, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके इसके अलावा और कौन-कौन सी वैरायटी है? हमारे पास सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, देन वी हैव कोकोनट ऑयल, सैफ्लावर, बहुत कम लोग, कई लोग जानते हैं बट कई लोग नहीं भी जानते इस तेल। उसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल है, देन तिल का तेल है हमारे पास, और हमारे पास आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, बादाम का तेल है, इसे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। कईयों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि बादाम का तेल, प्योर फॉर्म वाला बादाम का तेल कैसा होता है। देन हमारे पास अखरोट का तेल है, हमारे पास काले तिल का तेल भी है। ये कस्टमर की डिमांड पे हमने स्टार्ट किया, कई कस्टमर ने पूछा कि आप काले तिल का तेल क्यों नहीं बनाते, तो काले तिल का भी तेल है। ये एक ऐसा तेल है, काफ़ी इग्नोर होता है, कईयों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, लेकिन फ्लैक्सीड, अलसी और जवस, 3-4 अलग अलग बोली भाषा में नाम है, पर ये तेल बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। ये तो बात रही प्रोडक्ट के बारे में बताने की, और आप अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं इसके बारे में रही। अब बात करती हूँ मेरी कंपनी के बारे में कि इको श्योर जो तेल बनाता है, उसका तरीका तो आपने देख लिया, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये तेल कैसे बनता है। तो मैं चाहूँगी कि इको श्योर को आप मौका दें, हमारे पास जितने वैरायटी के ऑयल्स हैं आप मंगाएं, आप देखें। और यूज़ करने से पहले एक और गुजारिश है कि जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं मुझे चेक करना है, तो एक मेडिकल टेस्ट करवा लें, और 3-4 महीने यूज़ करें और फिर मेडिकल रिपोर्ट। मार्केटिंग जो बात होती है वो अपनी तरफ होती है, पर आपका जो रिपोर्ट होगा, मेडिकल रिपोर्ट, वो आपको सब कुछ सही सही बताएगा। सो इसी के साथ इको श्योर को एक मौका ज़रूर दें, और आपको लेना है तो आप हमारे स्टोर में आ सकते हैं, अगर नासिक शहर के आसपास आप रहते हैं, और अगर नहीं तो डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो आप हमें वेबसाइट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमारी फेसबुक है, हमारा फेसबुक पेज है, सो आप कहीं ना कहीं से हमें खोजकर इन सभी माध्यम द्वारा हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैम टाइमिंग क्या रहती है आपकी? हम 9 बजे, 9:30 बजे से हमारी शुरुआत हो जाती है, और रात 10 बजे तक हम काम करते हैं,
और कॉलिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 9819514272 और हमारी वेबसाइट है www.ecoshareoils.com। और हमारी एक और हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। आप वहाँ पर भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको टाइमली इसका आंसर दे सकें। और वीक में कितने दिन ओपन रहती है आपकी शॉप? हमारा काम करने का अपना एक तरीका है कि हम छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसके लिए टाइम कम पड़ता है और जब हमें लगता है तब हम छुट्टी ले लेते हैं। तो वीक ऑफ ऐसी कोई बात नहीं है, आउटलेट 7 to 365 डेज ओपन रहता है। और एड्रेस बता दीजिए, किस वहाँ पे ऑयल लेना? तो हमारा एड्रेस है नाशिक का, नाशिक शहर में हमारे दो आउटलेट हैं, एक गंगापुर रोड पे, एक गोविंद नगर पे। डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से हमारा एड्रेस लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ ही हमने लेटेस्ट हमारा एक आउटलेट ओपन किया है मुंबई में, थाने शहर में, कलवा जगह का नाम है। वहाँ पर भी हमारा आउटलेट है, वहाँ पर भी 10 बजे से रात 9 बजे तक आउटलेट ओपन रहता है। और उसकी भी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देंगे, आप वहाँ पर भी जाकर तेल परचेस कर सकते हैं।